मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। इस लॉकडाउन के दौरान आप लोगों को पढ़ने की तमाम समस्याएं होती होंगी, इसी के सापेक्ष हमारी संस्था के द्वारा आप लोगों के पढ़ने के लिए छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से आप लोगों की छोटी छोटी जानकारी, बेसिक जानकारी दिया जा रहा है। और सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग घर पर लॉकडाउन का पालन करते हुए आप अध्ययन कीजिए और वीडियो सुनने से पहले, देखने से पहले आप सबसे पहले पेन और कॉपी निकाल लीजिए। मैं जैसे बताता हूं ठीक उसी तरह से आप नोट डाउन कीजिए, अध्ययन कीजिए और कमेंट कीजिए। इसके पहले पार्ट में, पार्ट थ्री में मैंने आपको दिया था इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसकी जानकारी आपको मिली होगी, आप सभी ने हमें कमेंट भी किया था और हमें समझ में भी आया। आइए आज हम पार्ट फोर को देते हैं। इसमें आप समझ लीजिए कि बेसिक जानकारी के अभाव में हमारी एडवांस जानकारी नहीं हो सकती। ड्यू टू लैक ऑफ बेसिक ग्रामर वी कैन नॉट अचीव एडवांस ग्रामर। उन ग्रामर के पार्टों में मेरा सेंटेंस पार्ट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए मैं आपको बताऊं, पार्ट फोर में आज आपको मैं इंपरेटिव सेंटेंस दे रहा हूं। इंपरेटिव सेंटेंस होता क्या है? ऐसे वाक्य जिसमें आदेश, प्रार्थना, सलाह और निषेध आदि के भाव पाए जाते हैं। एक बार फिर से आप सुन लीजिए, आप नोट डाउन कीजिए। ऐसे वाक्य जिसमें कोई भी किसी को आदेश देता हो, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से कुछ मांगता हो प्रार्थना पूर्वक, या कोई किसी को सलाह देता हो, ऐसे वाक्य के अंदर जो हमारे भाव मिलते हैं वह इंपरेटिव सेंटेंस होता है। हमने बताया आपको कि ऐसे वाक्य जिसमें आदेश, प्रार्थना, सलाह और निषेध के भाव पाए जाते हैं, ऐसे वाक्यों को इंपरेटिव सेंटेंस कहा जाता है। और उन्हें अच्छी तरह से समझने के लिए हम एग्जांपल के माध्यम से आपको समझा देता हूं। आइए देखते हैं। ऑर्डर, आदेश, आप देख पा रहे हो ठीक से? बहुत बहुत धन्यवाद। आप नोट डाउन कीजिए इसको मेरे साथ ही साथ, और जो ना समझ में आए उसको कमेंट कीजिए। मैंने पहले बताया कि ऐसे वाक्य जिसमें आदेश, प्रार्थना, सलाह और निषेध के भाव पाए जाते हैं वह इंपरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए स्टैंड अप, अगर स्टैंड अप कहा है तो खड़े हो जाओ। ये चीज हमसे कोई बड़ा व्यक्ति करता है। हम वैसे समझ लें कि जब कोई बड़ा व्यक्ति अपने जूनियर से कुछ कहता है तो समझ लीजिए उसमें आदेश छुपा होता है, आदेश के भाव है कि इंपरेटिव सेंटेंस। लेकिन अगर हमें ठीक ढंग से उसको अलग अलग समझना है, उसमें आदेश क्या है, प्रार्थना क्या है, सलाह क्या है, तो ठीक तरह से समझने के लिए हम समझ सकते हैं कि जब कोई बड़ा व्यक्ति किसी छोटे व्यक्ति को कुछ कहता है तो आदेश होता है। कम हेयर, यहां आओ, ये समझ रहे हैं आप? लर्न योर लेसन, जैसे हम कहा आपको अपने पाठ पढ़ो। हम टीचर्स हो गए, हमारे सामने जो बैठे हैं वो हमारे स्टूडेंट हो गए, तो हमारा अधिकार है कहने के लिए कि लर्न योर लेसन ये आदेश के भाव। सिट डाउन, क्लास में टीचर्स प्रवेश किए, सारे बच्चे सामने खड़े हो गए तो टीचर्स कहते हैं सिट डाउन, वो आदेश देते हैं आपको, वो इंपरेटिव सेंटेंस। इसके बाद हमने आपको बताया कि प्रार्थना के लिए भी आपको एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ये देख लीजिए, दिख पा रहे हैं आप लोग? प्रार्थना जिसमें प्रार्थना के भाव छिपे हो, और प्रार्थना के भाव को हमको स्पष्ट करने के लिए सबसे पहले हम जानना चाहें तो उसमें रिक्वेस्ट, प्लीज या काइंडली जरूर लगा, रिक्वेस्टेड वर्ड जरूर लगे होते हैं। जैसे देख लीजिए, प्लीज गिव मी अ पेन, कृपया
मुझे एक कलम दीजिए। आश्रम कार्य से फिर क्या लग गया? इसका मतलब हम प्रार्थना कर रहे हैं, इसमें प्रार्थना के भाव छिपे हुए हैं। काइंडली सो योर नोटबुक, कृपया लग गया, कृपया अपना नोटबुक दिखाओ। हम प्रार्थना कर रहे हैं किसी दूसरे से, प्लीज कम हेयर। अब प्लीज लगा है, फिर हो गया कृपया, यहां आइए, ये हमारा प्रार्थना हो गया। प्लीज होल्ड दिस बैग, हो गया कृपया इस झोले को पकड़ लें। देख पा रहे इसको, इस तरह के सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस के अंदर तक आते हैं। आइए मैंने बताया था कि तीसरा सलाह, इंपरेटिव सेंटेंस में सलाह के दिमाग होते हैं और इन्हें हम एग्जाम्पल के बाद में चाहते बता रहे। ऐसे सेंटेंस जिसमें हम किसी के ऊपर जबरदस्ती नहीं थोपते, ऐसे वाक्य यदि हमसे कोई कुछ कहते हैं सामने वाले, जिसमें ऐसा लगे कि वो हम पे जबरदस्ती थोपने के लिए नहीं कर रहे, प्रेशर नहीं उसमें, हमें ऐसा महसूस हो कि हाँ किया जा सकता है, किया जाना चाहिए। जैसे रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, अपने बड़ों का सम्मान करो। इसमें सामने वाले कि कोई जोर नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं, कोई प्रेशर नहीं है। ओबे योर टाइम, अपने समय का पालन करो, कीजिए आप करो हो गया। ये सलाह है, हमें कोई सुझाव देता है। ऐसे संदेश के माध्यम से आप समझ सकते हो, बहुत क्लियर समझ सकते हो, बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है और बिल्कुल एग्जाम्पल के द्वारा हम आपको एक एक सेंटेंस समझाने का प्रयास कर रहे हैं। और जो चीज समझ में नहीं आ रहा है, नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में हमें आप सेंड कीजिए। हेल्प द पुअर, गरीबों का सहायता, गरीबों की सहायता। बी पंचुअल, बी पंचुअल, बी माने बने होता है और पंचुअल किस होता है, संयमित, संयमित। अब देख पा रहे इन सेंटेंसों के माध्यम से स्पष्ट हो रहा है, मैं इसका हिंदी भी लिख दिया ताकि आपको समझ में आ जाए। आप देख पा रहे होंगे मैंने एक बार बताया था, इसे बता दे रहा हूं कि ऐसे वाक्य जिसमें आदेश, प्रार्थना, सलाह और निषेध के भाव पाए जाते हैं, ऐसे वाक्यों के इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। और इसको आप नोट डाउन करके आपको अध्ययन कीजिए और इसका अगला पार्ट जो मिलता है निषेध, मैं आपको बता रहा हूं। ज्यादा से ज्यादा लोग शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोग कमेंट कीजिए ताकि हम आपकी परेशानी को समझ सके और उसके लिए मैं दूसरा वीडियो सुधार के रूप में दे सकूं। ये मेरा जो है निषेध फार्मिंग मीन्स मना करना, इसमें आपका निषेध आ जाएगा। निषेध क्या होता है, बहुत सारे समझ नहीं पाते निषेध क्या है, तो मैं आपको बता दूं, ऐसे वाक्य जिसमें आपको कोई सामने वाला व्यक्ति सेंटेंस के माध्यम से करने के लिए मना करता है, ऐसे वाक्य जिसमें कोई कार्य आपको मना किया जाता है करने के लिए,
जैसे डू नॉट वेस्ट योर टाइम, डू नॉट स्किप इन क्लास, डू नॉट एब्यूज एनीबॉडी। समझ पा रहे हो क्या? तो मैंने बताया था कि ऐसे वाक्य जिसमें आपको कोई कार्य करने के लिए मना किया जाता है वह इंपरेटिव सेंटेंस है, मगर उसमें निषेध के भाव छिपे होते हैं। आइए डू नॉट, डू नॉट का मतलब अगर हम समझ लिए टेंस के माध्यम से, हम समझ लिए भूल से कि क्या हो गया आपको आगे दूंगा, तो यह मेरा रॉन्ग आंसर। डू नॉट का मतलब हो गया मत, मत का मतलब नहीं समझूंगी, डू नॉट का मतलब मत या नहीं। अभी देखिए समझ में आ जाएगा आपको मत या नहीं। अब डू नॉट का मतलब मत या नहीं, इसको देखिए वेस्ट टाइम, समय बर्बाद करो, इसका मतलब हो गया डू नॉट वेस्ट योर टाइम, समय अपना समय, अपना समय बर्बाद ना। देख लीजिए आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझ में आ रहा होगा कि इस वाक्य में आपको यह बताया जा रहा है कि अपना समय बर्बाद ना करो, समय बर्बाद करने के लिए आपको मना किया जा रहा है। ये डू नॉट स्पीक इन द क्लास, कक्षा में मत थूको। आप समझ पा रहे हैं? मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों इस नाते दे रहा हूं कि क्लियर हो जाए, कहां से आपको क्लियर हो जाए। कक्षा में मत थूको, कक्षा में थूकने के लिए आपको मना किया जा रहा है, ये इंपरेटिव सेंटेंस का निषेध है। डू नॉट एब्यूज एनीबॉडी, डू नॉट तो मत आप समझते हैं, किसी को गाली मत दीजिए, किसी को गाली मत दीजिए, गाली देने की आपको मना किया जा रहा है। ये आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा, यदि आपको समझ में नहीं आता है तो नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप हमें कमेंट जरूर कीजिए, तब तक के लिए आप इसको अध्ययन कीजिए और अगले वीडियो में आपको फिर से नई वीडियो के रूप में फिर आपके सामने एक बार फिर आऊंगा। जय जय भारत।